नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो दोस्तों, आज मैंने बनाया है सूजी और आलू का खस्ता कचौड़ी, जो मैंने बिना तले हुए बनाया है। और मैंने चाय टिक्की कह लीजिए, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, फिर चलिए मैं देखती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया है और आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी की कचौड़ी, वो भी कम तेल में, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ उबले हुए चार आलू लिए हैं। तो आलू को मैं इस तरीके से पतला कर लूँगी। हाथ की मदद से इस तरीके से हम इसको पतला कर लेंगे। देखिए, एकदम पतला हो गया। इस तरीके से हमें पतला कर लेना है। और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा अदरक जो हमने कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा मिर्चा हरा काट लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे धनिया जीरा मिर्चा पाउडर, जिससे टेस्ट यार दोस्तों बहुत अच्छा बन जाता है। अब बहुत ही टेस्टी हो जाता है ये। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे, ना गरम मसाला, ना सब्जी मसाला, कोई मसाला यूज नहीं करेंगे हम इसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। हो गया दोस्तों इस तरीके से ये मिक्स। अब इसको हम कर देते हैं साइड में। अब बहुत ही अच्छा इसका बैटर तैयार हुआ है। देखिए, मसाला इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है। अब इसको रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों, कढ़ाई हो गई है मेरी गरम। इसमें हम डालते हैं कम से कम थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच। तेल को होने देना है गरम मुझे। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें हम डालते हैं जीरा, लगभग 1/2 चम्मच। जीरा के बाद में दोस्तों हम डाल रहे हैं इसमें अजवाइन। अजवाइन जो डालना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, मिर्चा कटा हुआ पतला बारीक तरीके से मुझे इसको भून लेना है। अब इसमें हमें डालना है पानी। इस तरीके से अच्छे से चलाना है हमको। पानी थोड़ा गर्म होने देना है। अब दोस्तों, पानी मेरा गर्म हो गया है, उबलने लगा है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप सूजी। इस तरीके से डालना है, थोड़ा थोड़ा सा चलाना है हमें। मैंने सारी सूजी इसमें डाल दिया है। इस तरीके से इसको हिलाते जाना है, आराम से पकाना है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मुझे डालना है हल्दी।
ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। और हल्दी मैंने उसमें तेल में नहीं डाला था, इसे डाल दिए हैं, पक जाएगा। नाश्ता दोस्तों बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरीके से, क्योंकि बाहर का खाना इस समय मिल नहीं रहा है कुछ खाने जाने के लिए, बाहर मार्केट में जाना तो है नहीं, तो हमको इस तरीके से घर पे ही कुछ ना कुछ बना के खाना है। दोस्तों इस तरीके से इसका बैटर हो गया है तैयार बनके, तो हम इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों इस आलू का मैं इस तरीके से बना लूंगी गोल गोल, इस तरीके से देखिए गोल गोल बना के रख लूंगी इसको इस शेप में, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इस तरीके से मुझे बना लेना है, देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए मुझे इस तरीके से इसके बॉल्स बना लेनी है गोल गोल। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, तो इस तरीके से हो गया है तैयार सूजी की कचौड़ी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बनती है, और अभी मैं बिना तेल के बनाऊंगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं हाथ पे लगाऊंगी थोड़ा सा तेल, और इसको मैंने मिक्स कर ही लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं इसको गोलाकार में बनाऊंगी इस तरीके से, कटोरी का आकार मुझे इसे दे देना है, और फिर मुझे इसको आराम से इस तरीके से इसका मुंह बहुत ही आराम से बंद कर देना है। दोस्तों देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों, तो आप लोग इस तरीके से बनाइए ज़रूर। इस तरीके से बना के हमें रखते जाएंगे, देखिए बहुत ही अच्छा हो गया बनके रेडी, कितना अच्छा बना हुआ है देखिए इस तरीके से। इस तरीके से मुझे सारे बना लेने हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैंने दो पीस तैयार कर लिए हैं, और मुझे इसी तरीके से सारे बना लेने हैं इस तरीके से। दोस्तों देखिए मेरी इस तरीके से खस्ता कचौड़ी एकदम सूजी की बनके हो गई रेडी। अब इसको हम बनाएंगे जो बिना तले बनाएंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छी बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत ही कुरकुरी बनेगी दोस्तों, और बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो फिर चलिए इसको हम बनाने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों कढ़ाई हो गई है गरम, अब कढ़ाई में मैं थोड़ा सा लमसम 2 चम्मच तेल है मेरा, ज़्यादा तेल नहीं यहाँ यूज करूँगी। तेल को इस तरीके से हमें घुमा देना है कढ़ाई में, बस मुझे ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है। इसके बाद में बस थोड़ा सा अजवाइन है जो मुझे इस तरीके से डाल देना है। तो कढ़ाई मेरी गरम हो गई है, तेल को थोड़ा सा गरम हो जाने देते हैं। देखिए इस तरीके से मुझे एक रख देना है, इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। बिल्कुल आराम से मुझे पकने देना है, कुछ नहीं करना है, कम से कम 5 मिनट तक। बिल्कुल धीम है गैस मेरी, बिल्कुल स्लो है, बहुत तेज नहीं करेंगे कि जलने का डर है, इसलिए मुझे धीमे आंच पे एकदम बनाना है इसको। तो दोस्तों देखिए मेरा ये सूजी आलू का कचौड़ी बनके
या टिक्की कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ही अच्छा बना है और बनके हो गया है रेडी। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही करारा बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो इसके साथ में मैंने हरी धनिया की चटनी रखी है और टमाटो सॉस रखा है, तो आप जिसके साथ चाहें उसके साथ खा सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये दोस्तों रेसिपी मेरी पसंद आई है आप सबको, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और एनएनसी